जमजम कादरी साहब जी, पहले तो तुम अपना अकीदा साफ करो। नहीं तो नहीं देखो भाई, हमरे सब आपस में लड़ाई झगड़ा करें और हमरे लड़ाई झगड़ा जम्मा चाहते नहीं। तुम यहाँ दीन फैलाने आयो या हमरे सबको लड़ाने के? तुम ठीक कहती हो, आमदनी का सोर्स बहुत कम गया, ऊपर से जुड़वा बच्चों का खर्च। तुम तो जानती हो आजकल का जो नौकरी, इरे मेरी माँ रे माँ, इतना जो रेट है 500 रुपया हाट को लेके जाओ, एक तो बेग फूल होते नहीं। ये समय जो मेरा हाल है, मैं तुमको क्या? मैं उन जाहिलों से बात नहीं करता जिनमें ना दीन सलामत और ना ईमान। ये नजदी वहां भी काफिर काफिर है, इनसे बात करना हराम है, हराम है, हराम है। तुम ओसा का ही होती हो, भले भागा भागा होती हो, अभी तो बहुत चिल्लाते रहो, बहुत जोर से तो गरज के कहते रहो, बात हकीकत सामने आया खाली भागती हो नहीं, खड़े हो यहाँ सुनो चुपचाप। मैं आपसे सिर्फ ये बताना ये चाहता हूँ, ये सब जितने यहाँ मौजूद हैं, ये सब के सब अहले देवबंद हैं, देवबंदी हैं, लेकिन फर्जी तौर पर आपको एक समझाने के लिए दो फरीक का ये दोनों फरीक की तरफ से तर्जुमानी करेंगे। मुमकिन है कुछ बोलते वक्त में कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए जो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन चूंकि मुकालमा है बस आप उसे दरगुजर कीजिएगा और मज़ा लीजिएगा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ حضرات گرامی، عرصے دراز کے بعد ہمارے محفل کو فروزاں کرنے والی ہندو پاک کی کچھ عظیم شخصیتیں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، جن میں قابل ذکر ہم سب کے عزیز بلکہ ملک ہندوستان کے ہر دل عزیز شاعر، مداح خیر الانعام، مسلک اعلی حضرت کے ترجمان جناب زمزم قادری رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمین پہ چاند کہاں روز روز آتا ہے۔ مائک پر جناب زمزم قادری رضوی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نعت پاک سے پہلے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آئیے میں سیدھے سیدھے مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے! وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش ہے
जा हसीना रा करार जुज तेरे आशिक कुजा हसीना रा करार जुज तेरे आशिक कुजा हसीना रा करार जुज तेरे करार जुज तेरे आशिक कुजा हसीना रा वो बजा हो कर वो आखिरा मेरे दिल में जा बजा हो कर बजुज तुम्हारे किसी का वजूद हो या जुज तुम्हारे किसी का वजूद हो या महाल बजुज तुम्हारे किसी का वजूद हो या महाल बजुज तुम्हारे मगर तुम्ही नजर आते हो माँ सिवा मगर तुम्ही नजर आते हो माँ सिवा हो कर आइए अपने आदत के मुताबिक उसूल व बरकत के लिए आला हजरत अजीमुल मरकज मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु की दीवान से चंद अशार आप हजरात के हवाले करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा करें मेरा मजबूत है ईमान जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा मेरा मजबूत है ईमा मेरा मजबूत है ईमा मैं आला हजरत वाला हूँ मेरा मजबूत है ईमा मेरा मजबूत है ईमा मेरा मजबूत है ईमा मैं आला हजरत वाला हूँ मेरा मजबूत है ईमा कहना मेरा मजबूत है मेरा मजबूत है ईमा मैं आला हजरत वाला हूँ मेरा मजबूत है ईमा मैं आला हजरत वाला हूँ लुटा दूंगा नबी पर जा लुटा दूंगा नबी पर जा मैं आला हजरत वाला हूँ लुटा दूंगा नबी पर जा मैं आला हजरत वाला हूँ अगर मिश्रा अच्छा लगे तो दाद दे सकते हैं अगर मुनकिरी में है हिम्मत मत मत अगर मुनकिरी में है हिम्मत अगर मुनकिरी में है हिम्मत मत मत तो मेरे सामने आए अगर मुनकिरी में है हिम्मत अगर मुनकिरी में है हिम्मत तो मेरे सामने आए अगर मुनकिर में है हिम्मत अगर मुनकिर में है हिम्मत
मदद तो मेरे सामने आए, अगर मुनकिर में है हिम्मत तो मेरे सामने आए। लिए बैठा हूँ मैं कुरान, लिए बैठा हूँ मैं कुरान, मैं आला हजरत वाला हूँ। ए बदबख्तो, ये सब नौटंकी बंद करो, करो जहाँ जाते हो फितना फसाद फैलाते रहते हो। अरे तुमसे अपना घर संभाला नहीं जाता, और चले आए आला हजरत के गुणगान करने, मैं आला हजरत वाला हूँ, मैं आला हजरत वाला हूँ। अरे तुम नालायक ऐसी वाहियत किस्म के आदमी हो, तुम पे जितनी लानत भेजी जाए फिर भी कम है। मुसलमानों में ग्रुप बंदी करा के आपस में लड़ाते रहते हो, बताओ तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है। ऊंची ऊंची टोपी लगाकर नीच हरकतें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हुआ, क्या क्या कहते हैं तुम हमारे मौलवी के बारे में? तुम अपना बेकारिया बात बंद करोगे, अगर तुमको सुनने का तो सुनो, नहीं तो हमरे मजलिस से चले जाओ। आहा, ये शैतान हमरे मजलिस में कहां से आई है वो? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जमजम कादरी साहब, तुम इनके बात को जम्मा दिल में लगाओ नहीं, तुम नाक पढ़ो, हमरे सुनेंगे, जिसके सुनने का सुने, नहीं तो हमरे मजलिस से चले जाओ। अरे भाई, तुम क्यों समझने के लिए तैयार नहीं? ये लोग शिरकिया कलाम सुनाकर लोगों के अकीदे को ख़राब करते हैं। इन्होंने क्या कहा तुमने नहीं सुना? इन्होंने कहा, वही जो मुस्तवी अर्श है खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। नबी मदीने में खुदा होकर उतरा था, इस तरह के कलाम पढ़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे भाई, असल तो अकीदा है, अगर अकीदा ख़राब है तो ईमान भी नहीं, और जब ईमान गया तो याद रखो सब कुछ गया। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं इनसे पूछूँ इनका अकीदा क्या है, फिर कलाम सुनेंगे। जमजम कादरी साहब जी, पहले तो तुम अपना अकीदा साफ करो, नहीं तो नहीं देखो भाई, हमरे सब आपस में लड़ाई झगड़ा करें, और हमरे लड़ाई झगड़ा जम्मा चाहते नहीं। तुम यहाँ दीन फैलाने आए हो या हमरे सबको लड़ाने के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब है? हमारा अकीदा पूछने चले हो? पहले अपना अकीदा तो देखो भाई। हमारा अकीदा पूछने चले हो, तुम्हारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा यही है कि हम लोग नबी को सरापा नूर मानते हैं, और आप लोग नबी को अपने जैसा मानते हैं। भाई आप लोग कहते हैं नबी बशर है, भला बताइए आप लोगों से ज़्यादा अहमक है कोई यहाँ? सलाम अलैकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम सलाम शाकिर भाई, खैरियत से? एक ज़माना हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई, आजकल कहाँ रहते हो? क्या करूँ भाई, बहुत परेशान हूँ, तुम तो जानती हो आजकल का जो माहौल चली से। मैं भी देखता हूँ कि आजकल तुम थोड़ा ज़्यादा ही मशगूल रहने लगे हो। हाँ भाई, तुम ठीक कहती हो, आमदनी का सोर्स बहुत कम गया, ऊपर से जुड़वा बच्चों का खर्च। तुम तो जानती हो आजकल का जो नौकरी, इरे मेरी माँ, अरे माँ, इतना जो रेट है, 500 रुपया हाट को लेके जाओ, एक तो बेग फूल होते नहीं। ये समय जो मेरा हाल है, मैं तुमको क्या बताऊंगा। खैर मुजाहिद भाई, इन बातों को छोड़ो, बताओ आजकल ठेकेदारी कैसी चल रही है? ठेकेदारी? हम काय की ठेकेदारी? अरे वही ठेकेदारी जिसके लिए तुम जाने जाते हो। मैं कुछ जमा समझ सकूं, तुम क्या बोलना चाहती हो? मैं, अरे वही समझे नहीं, धर्म की ठेकेदारी। अच्छा, मैं समझ गया, तुम मुझे जलील करती हो? नहीं, अरे मैं दीन का काम करता हूँ, कोई दलाली नहीं। हमारे उलमा हमको जैसा जैसा सिखाती ने, हमरे ओसी ओसी करती ने, तुम लोगों की तरह तो नहीं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें खूब बेवकूफ़ बनाया है, दीन के नाम पर तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा इस्तेहसाल किया है। तुम हो के बेवकूफ़, समझने के लिए भी तैयार नहीं? अल्लाह ने जब अक्ल दी है तो अक्ल को काम में लाओ, वरना याद रखो मुजाहिद भाई, पछताओगे। देखो जम्मा, मेरा दिमाग खराब करो नहीं, तुम ऐसा कैसे बोल देती हो? हमें तुम लोगों का अकीदा काफिर और वहाबी वाला है, पहले अपना अकीदा ठीक करो, चले आए मुझे बोलने के लिए। अगर मैं कहूँ तुम और तुम्हारे लोग नादान और काबिले रहम है, तो ये बात बेजा नहीं होगी। मुझे तुम पर और तुम्हारे लोगों पर अफसोस होता है। देखो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, और तुम लोग वही तेली की बैल की तरह जहाँ के वही हो। अगर तुम में थोड़ी सी भी अकल होती तो ऐसा नहीं कहते। जनाब
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफिरों में ये बात थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफिरों में और तुम बरेलियों में कोई फ़र्क नहीं। जाहिर सी बात है आपको गुस्सा तो ज़रूर आएगा, लेकिन हकीकत का भी इनकार नहीं किया जा सकता। सुनना चाहोगे? अरे यार तुम लोग तो बेदीन हो, तुम लोगों का अकीदा शरिया सुन्नत हम सुनने से मेल नहीं खाता। बड़े दुख की बात है कि तुम लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा समझते हो, जो कि सरासर गलत है। अरे जुलुम तो ये है कि तुम लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर भी कहती हो। तुम लोग ऐसा कैसे बोल देती हो? इसी वजह से तो हम लोग तुमसे नफरत करती हैं। सुनो सुनो, 1400 साल पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफिरों के जहन में ये बात थी कि नबी बशर नहीं हो सकता। कुरान में है, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, वो कहने लगे अरे ये कैसा नबी है, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है बाजारों में भी घूमता है, नबी बशर नहीं होता। आज तुम्हारे जहन में है नबी तो मानते हो मगर बशर मानने के लिए तैयार नहीं है, यही फ़र्क है तुम में और उन काफिरों की बातों में। रहने दो, तुम हद से आगे निकलती हो, इसी वजह से हम लोग तुमसे दूर रहती हैं, तुमसे बात भी करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या तुम्हें नादिर शाह पीर बाबा ने नहीं कहा था? क्या तुम भूल गए? उन्होंने नहीं कहा था कि तुम उन बदबख्त वहाबी काफिरों से दूर रहना? जी जरूर कहा था। अरे उनकी वजह से तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा, ये बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है, चलिए मेरे साथ। अरे अरे मुजाहिद भाई ये कौन साहब है, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? हम भाई तो आपस में बात ही कर रहे थे जी। इनके पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है? चले आए ऊंट की तरह सर उठाकर। मैं उन जाहिलों से बात नहीं करता जिनमें ना दीन सलामत और ना ईमान। ये नजदी वहाबी काफिर है, इनसे बात करना हराम है, हराम है, हराम है। बेशक ये कमबख्त लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर बल्कि घोड़े और बकरी से भी नीचे समझते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह, ये लोग कहते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती, ऐसे ये लोग कहते हैं। जी बिल्कुल ये लोग। अच्छा तो तुम बरेली आलिम हो, मुझे लगता है कि तुम भी गुमराह हो गए हो, बल्कि गुमराहों के सरदार हो, या फिर पेट का मैं धंधे में मशगूल हो। अब तुम्हारे धर्म का सिलसिला ख़त्म होने वाला है। देखो भाई तुम हमें जानते भी हम कौन हैं? अरे हम तो अहमद रजा बरेलवी रजी अल्लाह अनहु के गुलामों के गुलाम हैं। निगाहें मस्त मिलाई तो मैं मिला के उठे, निगाहें मस्त मिलाई तो मैं मिला के उठे, जहां हम बैठ गए मैं कदा बना। हाय हाय जी, तुम नालायक अपनी जबान बद से हमें चैलेंज करते हो। गर्चे में खाने सुखन का गदाए जदीद हूँ, हर रंग की शराब प्याले में है मेरी। अरे नादा तुम ये कहते हो कि अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कुल की तफसीर में मैं कहना चाहूँगा, कुल यानी कहना, कहना भी तीन तरीके का हो सकता है। बिल्कुल। नंबर एक अल्लाह का कहना, नंबर दो हुजूर का कहना, नंबर तीन इन काफिरों का कहना। ए अदुवुल्लाह ए वहाबियो, तुम अल्लाह हो? अल्लाह तो खाता नहीं खिलाता है, अल्लाह खिलाता है। अल्लाह नमाज पढ़ता नहीं पढ़वाता है, अल्लाह रोजा रखता नहीं रखवाता है। तो पता क्या चला, तुम अल्लाह नहीं हो। तो अल्लाह ने कहा तुम कैसे कह सकते हो? अब दूसरा तरीका भी सुन लो, तुम हुजूर भी नहीं हो सकते, इसलिए कि तुम्हारा कलमा हुजूर का कलमा नहीं, तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मेरे हुजूर का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। तुम्हारी नमाज मेरे रसूल की नमाज नहीं। मेरे हुजूर पर 6 नमाजें फर्ज थी, वमिनल्लैल फतहज्जद बिही नाफिला, पांचों नमाजों के साथ 6ठी तहज्जुद भी फर्ज है। बेशक। तुम्हारा रोजा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा नहीं। अरे वो रमजान के साथ 100 विसाल और 100 दाऊदी भी रखते थे। जी जी, तुम्हारी तरह जी कैसे जी हो गए? आका इरशाद फरमाते हैं, अय्युकुम मिसली युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी,
मुझे मेरा रब खिलाता है, मुझे मेरा रब पिलाता है, मैं तुम्हारी तरह कैसे हो गया? जी, जी। अरे जाहिलो, जब तुम्हारी तरह हुजूर नहीं तो बशर कैसे हो सकते हैं? बशर कैसे हो सकते हैं? रिंद के जर्ब पे साकी की नजर रहती है, रिंद के जर पे साकी की नजर रहती है, उसी चुल्लू से पिला दे या उसे पैमाने से, निगाहे मस्त मिलाई तो मैं मिला के उठे, निगाहे मस्त मिलाई तो मैं मिला के उठे, जहां हम बैठ गए मैं कदा बना के उठे। अरे मुजाहिद भाई, अब उनका दिमाग ठिकाने आ गया होगा। अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई कि हुजूर को बशर कहे? वो तो सरापा नूर है, नूर है, नूर है। अल्लाह ने सबसे पहले उन्हीं के नूर को तो पैदा किया। ये आलम जो आप देख रहे हैं, हजर शजर आसमान और जमीन, सब उन्हीं के नूर से मुनव्वर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बहुत देर से मैं आपकी बातों को सुन रहा था। तकरीर तो बड़ा दिल पजीर करते हो मोहतरम, मगर याद रखो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक मुहावरा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भान बतीने खंबा जोड़ा। अरे मौलवी साहब, हमने कब कहा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे गुनाहगारों के तरह थे? ऐसा कहना तो दूर की बात है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। अकीदा अकीदा होता है। सुनो मौलवी साहब, हमारा यानी हम देवबंदियों का अकीदा तो ये है कि नबी तो नबी, हम नबी के कदम मुबारक के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। नबी के बराबर होना तो दूर की बात है। आपको गलतफहमी हो रही है। याद रखो, जो आप बोल रहे हो वो आज का मुद्दा ही नहीं, जो आज का मुद्दा है आप समझ ही नहीं रहे। कहते हैं ना, जब दिमाग में अकल की बजाय गोबर भरा हो तो आदमी ऐसे ही ओल फोल पकता है। क्या कहा तुमने? हमारा दिमाग खराब हो गया है, हम ओल फोल पक रहे हैं? जी हाँ, वरना आप ऐसी बात न कहते। अवाम को बहका बहका कर जहन्नम में धकेल रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें तौबा करना चाहिए। अगर वाकई तुम सच्चे हो, साबित करो कि हुजूर बशर है, हम मान जाएंगे। अरे दीवाने, हमारा तो अकीदा यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं, और ये दोनों मुमकिन है, क्योंकि नूर की जिद बशर नहीं बल्कि नूर की जिद जुल्मत है। और कायदा है कि इज्तिमाई जिद्दैन जायज नहीं, जबकि बयान ऐसा नहीं। पता चला नूर और बशर का इज्तिमा मुमकिन है। अलबत्ता हम ये कहते हैं कि हमारे हुजूर अगर बशर हैं तो बशर ज़ाती हैं, और अगर नूर हैं तो नूर सिफाती हैं, और इसमें कोई मुजायका नहीं। कहते हैं ना, आम के आम गुठली के दाम, यानी दोनों पर हमारा अमल है और कोई तौहीन और तनकीज भी नहीं हुई। एक बात तुम्हें समझ लेना चाहिए, अगर कोई नबी को बशर मानने के लिए तैयार नहीं तो वो यकीनन अंबिया को मुनाम अलै नहीं समझता। दूसरी बात, तमाम इस्लामी कुतुब में नबी की तारीफ यूं की गई है, अन नबीयु इंसानुन बअसहुल्लाहु इलल खल्क, यानी नबी वो इंसान है जिसको अल्लाह ने मखलूक की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा। अब मामला इतना साफ हो गया कि बहस की कोई ज़रूरत नहीं। अरे मौलवी साहब, एक बात पूछूं? जी पूछिए। नबी फरिश्ते हैं क्या? नहीं। हमारे हुजूर फरिश्ते हैं क्या? नहीं। इन दोनों बातों के न तुम कायल हो और न हम कायल हैं, तो पता क्या चला? ये बात आप भी मानते हो ना कि फरिश्तों की औलाद नहीं होती, जबकि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। मालूम हुआ कि आप बशर हैं। और कुरान करीम में सूरह फतह में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और नबी और रसूल के बारे में कुरान करीम में इरशाद है, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, कि अल्लाह मलाइका में से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना कासिद मुंतखब करता है, और इंसानों में से बहुत से अंबिया और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के हिदायत के लिए अपना नबी और कासिद बनाया। ये बात आप भी मानते हो ना कि नाकिह और मनकूहा, मौलूद और मौलूद लहू में जिंसियत ज़रूरी है। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि मियाँ बीवी
बाप बेटों में हम जिंस होना ज़रूरी है। फिर हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुमा वगैरह अज़वाजे मुतहरातुन नबी तो इंसान थे, लिहाजा अगर आप बशर का इनकार करोगे तो तुम्हारी अक्ल मारी जाएगी, तुम पूरे निज़ाम का इनकार करोगे जो तुम अक्लन भी इनकार नहीं कर सकते। रहम और आया तो बहुत चिल्लाती हो। ओ मौलाना को बताओ, मैं एक जगह गया था, वहाँ पर सुना कि हदीस के कितने किताबों में लिखी है कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमारे नबी के नूर को पैदा करी। जब नबी के नूर को पैदा करी है तो इससे यह साबित हुआ तो हमारे नबी नूर से हैं। तो जरा बताओ सही बात क्या है, ये मुझे गुमराह करके रखी ने लोग सब। सुनो मुजाहिद भाई, सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं कि अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज़ पैदा की। وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره, अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा किया। न उस वक्त लोह था, न कलम थी, न बहिश्त, न जन्नत, न दोजख, न आसमान, न चांद, न सितारे, न जमीन, न चांद, न सितारे, न फरिश्ते, न इंसान, उस वक्त कुछ नहीं था। अल्लाह ने पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया। इसी को किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मका को सजाया गया। अम्मा तुम ओसा ओसा का ही होती हो, भले भागा भागा होती हो, अभी तो बहुत चिल्लाते रहो, बहुत जोर से तो गरज के कहते रहो। अरे बात हकीकत सामने आया, खाली भागती हो नहीं, खड़े हो यहाँ सुनो चुपचाप। अरे ओ मौलवी साहब, जरा गौर से इनकी बातों को सुनिए, यहाँ पर मौजूद तमाम सामईन इकराम आपको देख भी रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं, कहीं आप भाग ना जाए। इस तरह के नज़र इधर उधर करके क्या करना चाहते हैं, आप भागना मत वरना ये तमाम हक परस्त आपका रास्ता रोकेंगे। अम्मा जुम्मन चाचा तुम ठीक बोलती हो, मां ये लोग हम सब गुमराह करके रखी ने। मौलाना साहब जरा बताइए, अल्लाह आपको पता है कि नहीं, अब्दियत के बाद रिसालत अता की जाती है, यानी बंदा है तो रसूल बनाया जाता है। अब्दियत रिसालत के लिए लाजिम है और रिसालत अब्दियत के लिए मलजूम हुआ, मालूम हुआ कि मलजूम बगैर लाजिम के नहीं पाया जाता। तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और इंसान होना मुकद्दम है। फिर जब आपकी उम्र फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो अल्लाह ने नबुव्वत से नवाजा। तुम उसा का ही होती हो, खाली भागा भागा होती हो, कभी इधर देखती हो, कभी उधर देखती हो। मेरा फोन है, मैं जाता हूं। तो बहुत जोर से तो चिल्लाते रहो, अभी सुनो वो मौलाना समझाओ इनको, इनका दिमाग यार काम करते नहीं। मैं जा रहा हूं। कुरान की आयत में कहा गया है इन्ना अंजलना तौरात फीहा हुदा व नूर, इसी तरह कुरान को भी नूर से ताबीर किया गया है। क्या कुरान भी नबी और रसूल है? दूसरा कलमा याद है, जरा सुनाइएगा। सुना दो मतलब तुमको याद ही इनके, सुना दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व अब्दुहु व रसूलुहु। हां हां मतलब तुमको आवाज निकलती नहीं, तुम्हारा क्या आवाज थी जोर से गरजते रहो अभी। हां हां ये तुम गड़बड़ मौलवी लगती हो, उनका बात पूरा सुनो। मां हां प्रोग्राम आ जाओ। नहीं 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 तुम अभी सुन के जाओ पूरा। हां पहले अब्द है फिर रसूल, पहले अब्द है फिर रसूल, यही तालीम हर एक को दी जाती है। अब किसे कहते हैं? कुरान करीम में फरिश्ते के बारे में कहा गया है, कुरान करीम में फरिश्ते के बारे में कहा है बल इबादुम मुकरमून, के फरिश्ते मुकर्रम हैं, चूँकि वो इबाद है इसलिए मुकर्रम इंद अल्लाह है। अल्लाह और इसी वजह से अल्लाह ताला जिसके अंदर सिफत इब्दियत पाई जाएगी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सिफत अब्दियत पाई जाती है उसी का दर्जा खुदा के यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सबसे ज़्यादा अब्दियत पाई जाती है, इसलिए आप सबसे ज़्यादा मुकर्रम हैं।
और मसलक बरेलवी के शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मोहम्मद शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद कचौछवी फरमाते हैं, शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी कचौछवी फरमाते हैं कि हम पर इफ्तिरा और बहतान है कि हम नबी को बशर और इंसान नहीं मानते, बल्कि मैं पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ कहता हूँ कि नबी बशर भी है और इंसान भी है। अब अगर कोई नबी को बशर और इंसान ना माने वो काफिर है। और अल्लाह ताला ने कुरान को नूर से ताबीर किया, खुद अल्लाह ताला बयान करते हैं, खुद अल्लाह ताला बयान करते हैं, फिर भी ये कहना कि नूर से मुराद ज़ाते रसूल है, फिर भी ये कहना कि नूर से मुराद ज़ाते रसूल है, तो ये कुरान और अल्लाह के फरमान को ना मानना हुआ ना? जवाब क्यों नहीं देते, खामोश क्यों खड़े हो? अब तुम ही फतवा दो कि जो कुरान को और अल्लाह के फरमान को ना माने वो काफिर है या नहीं? बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो? हम हासिम मौलाना, तुम जो हासिम मौलाना, मैं ये क्या सब सुनो, ये तो ऐसा ऐसा कहती ना, तुम तो वो सौसा कहती रहो, बकवास बकवास। हाँ हाँ, पूरा गड़बड़ मौलवी लगती हो, मुझे गुमराह करके रखियो। ओ मौलाना जरा जरा समझा, उनका दिमाग काम करते हैं, खाली भागा भागा होता है। मौलाना इजाज़त चाहता हूँ। जी जी इजाज़त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़े फरमान है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, तमाम सहाबा ताबईन मुज्तहिदीन मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की यही राय है, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात उलमाए बरहक अहले सुन्नत वल जमात हक परस्त उलमाए रब्बानीन की रही राय है। और आखिर में हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी की रिवायत एक इबारत पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं कि मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी अपने ज़ात के एतबार से न सिर्फ नौए बशर में दाखिल है बल्कि अफजलुल बशर है। अच्छा। न सिर्फ आदम के नस्ल में बल्कि आदम औलाद आदम के लिए सरमाया इफ्तिखार है। अच्छा अच्छा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना सय्यदु वल्दी आदम यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन बनी आदम का मैं सरदार रहूंगा। नबी का बशर होना इंसान होना न सिर्फ तुर्रा इफ्तिखार है बल्कि आपके बशर होने से इंसानियत और बशरियत रश्के मलाइका है। जिस तरह आप नौ के एतबार से बशर है, इसी तरह आप सिफत हिदायत के एतबार से सारे इंसानियत के लिए मिनारा नूर है, वो नूर जिसकी रोशनी से सारी इंसानियत को सारी इंसानियत को खुदा का रास्ता मिलता है, जिसकी रोशनी ताअबद दरख्शिंदा और ताबिदा रहेगी। लिहाजा मेरा अकीदा है बल्कि यहाँ पर बैठने वाले सभी का अकीदा है कि अल्लाह के नबी बयक वक्त नबी भी है और बशर भी, बयक वक्त नबी भी है और बशर भी। और नबी नूरो बशर को एक नूरो बशर को अलग अलग खाने में बांटने से एक की नफी और दूसरे का इस्बात होता है, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला हम सभी को अक्ल सलीम अता फरमाए। मौलाना क्या मैंने सही नहीं कहा? बिल्कुल बेशक बेशक सही कहा। मुझे समझ में आता है थोड़ा, तुमको समझ में आई? थोड़ा दिमाग काम करते रहे, समझ में आता है तुमको? अच्छा अच्छा। मौलाना साहब कल तक हम लोग आपको अपना जानी दुश्मन समझते थे, मगर अल्लाह ने हमारी हिदायत का फैसला आपके हाथों किया। मुनाम हकीकी का शुक्रगुजार हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। मौलाना एक हकीकत है जो आपके मुतालिक है, मैं ज़रूर समझता हूँ। नपूझ गुफ्तगु में क्या असर रखता है, नपूझ गुफ्तगु में क्या असर रखता है, संग दिल को नरम करने का हुनर रखता है। बेशक। अब आओ एक बात हम तस्लीम करते हैं जिसमें दोनों के लिए खैर है, वो ये है कि बशर होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती सिफत है, जबकि नूर होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औसाफ़ है। लिहाजा अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती तौर पर नूर समझता है तो वो रिसालत का इनकार करता है। ऐसे अकीदे से बचते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको बिदात व खुराफात और गलत अकीदों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपने भी एक शायर इस्लाम पेश किया था, अब मैं भी अपने तरफ से एक शायर इस्लाम हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब को दावत स्टेज देता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और हमारे दिलों को मुचल्ला व मुसफ़ा फरमाए।
आइए हजरात, मैं मौलाना वलीउल्लाह साहब की हुक्म की तामील करते हुए एक मुकम्मल नात पाक का चंद मिसरा हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, बज़्म कौन मकान को सजाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, बज़्म कौन मकान को सजाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से। माशाल्लाह माशाल्लाह।